देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है मूली की सब्जी। कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी बनी है। इसको एक बार बनाना तो बनता ही है। आप इसे मेरे तरीके से एक बार बना के देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं हमने इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया और कैसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। सर्दियों ने दस्तक दे दी और सब्जियाँ तो इस समय बहुत ही आती हैं, तो हमें सब सब्जियां खानी चाहिए। आज मैं आपसे मूली की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। है तो सिंपल सी, लेकिन सबका अपना ढंग होता है अलग अलग बनाने का। तो मैं आज जिस ढंग से मैं बनाती हूँ, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। मैंने ये मूली के पत्तों को पहले से धो के अच्छे से काट लिया। देखिए, बारीक बारीक काट लिए, और इसमें ऊपर नीचे की जो मूली होती हैं बारीक बारीक, वो भी जिनको हम काट के फेंक देते हैं, मैंने वो भी काट ली। और इस सब्जी को हम बनाएंगे सरसों के तेल में। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। ये मैंने रखा पैन में तेल, और इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे, अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि तेल का कड़वापन और स्मेल निकल जाए। देखिए, ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। तेल गर्म करके उसे ठंडा करके फिर ही मसाले डालें। इसमें मैं डालूंगी ये अजवाइन। मूली बादी होती है तो इसमें अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये डाला जीरा और ये हींग। हींग बादी को ख़त्म करती है। ये मैंने एक अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च और ये प्याज को स्लाइस करके काट लिया, और इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हमें थोड़ा ही भूनेंगे। ये देखिए, प्याज मैंने हल्के से, बस हल्का सा कलर आया, इतने भुने हैं। इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी और बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, और ये मैंने एक मूली को इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा काट लिया था, ये डाल देंगे। ये एक आलू जो मैंने इस तरह से काट लिया, इसको डाल देंगे। और ये मटर, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये। आप एक बार इसको जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी खाने में। और अब हम इनको ढक के पकाएंगे। सब मसालों के साथ मैंने अच्छे से मिला दिया, क्योंकि मुझे सब्जी थोड़ी ही बनानी होती है हमेशा की तरह, जैसे मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये बस एक आलू छोटे वाला डाला है, और इसको अब हम ढक के पकाएंगे हल्की आंच। देखिए, हमारी सब्जी मूली और आलू गलने लगे हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी, ये मैंने दो टमाटर काटे हैं। इतने मेरी सब्जी पक रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। अब इसे हम ढक के टमाटर गलने तक पकाएंगे। देखिए, हमारी सब्जी अच्छे से, आलू मूली सब गल गए हैं। अब मैं इसमें स्टेज पे डालूंगी ये मूली के पत्ते, जो हमने मूली के पत्ते काटे थे, और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। मूली के पत्ते बहुत जल्दी गल जाते हैं, हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये पानी छोड़ते हैं, इनमें पानी बहुत होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। इसको भी हम थोड़ा अब ढक के पकाएंगे। देखिए, हमारी सब्जी अच्छे से, आलू वालू सब गल गए हैं। आलू मूली जो हमने डाले थे सब गल गए हैं। मटर तो खैर फ्रोज़न थी, बहुत जल्दी गल जाती हैं। और मैंने इसमें, आपने देखा होगा, नमक नहीं डाला। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला था कि मूली के पत्ते पानी बहुत छोड़ते हैं, तो सब्ज़ी हमारी थोड़ी पनीली सी हो जाती, इसलिए मैंने नमक पहले नहीं डाला था। अब मैं इसे नमक डाल के मिलाऊंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब इसमें मैं लास्ट दो और चीज़ें डालूंगी, मसाले डालूंगी। ये है गरम मसाला और ये है अमचूर पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा। मूली के पत्तों की सब्जी में मूली का थोड़ा सा तीखापन कम कर देता है अमचूर पाउडर। और इसको हम ढक के मसालों को रमने तक और पकाएंगे, यानी 2 से 3 मिनट तक और हल्की आँच पर पकाएंगे। ये देखिए, हमारी सब्जी तैयार हो गई। देखिए, कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। इस तरह से आप बनाएंगे तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। इसे परांठे के साथ, रोटी के साथ कैसे भी खा सकते हैं आप। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी, और हेल्दी भी बहुत है। ये हमने मूली के पत्ते भी इस्तेमाल करे हैं इसमें। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और खुशबू तो क्या ज़बरदस्त आ रही है इसमें। हमने गर्म मसाला लास्ट में डाला, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसको हरे धनिए से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन हरे धनिए की मुझे नहीं लगता इसमें ज़रूरत है,
देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी सब्जी तैयार हुई है। थैंक यू।